खाने वाले तेल की कीमतों में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली है, यानी सरसों और सोयाबीन समेत कई तेल पहले की तुलना में सस्ते हो गए। ग्लोबल मार्केट के निर्यात मांग की वजह से घरेलू मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वहीं मूंगफली तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिला। इसके अलावा गर्मी के मौसम की वजह से मूंगफली के अलावा सभी तेल की कीमतों में गिरावट आई है। मार्केट के एक्सपर्ट के मुताबिक मूंगफली तेल की निर्यात मांग होने से बीते सप्ताह दिल्ली तेल तिलहन बाजार में मूंगफली तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिल रहा है। बता दें, विदेशों में मूंगफली तेल की मांग होने की वजह से निर्यातक गुजरात में मूंगफली तेल 160 रुपए प्रति किलो के भाव खरीद कर रही हैं। सूत्रों ने बताया है कि इसके अलावा खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। आम उपभोक्ताओं को 190-210 रुपए लीटर या उसके अधिक कीमत पर सरसों तेल क्यों मिल रहा है? सूत्रों ने कहा है कि यह वास्तविकता है कि थोक भाव कम हुए हैं। थोक विक्रेता आगे आपूर्ति करने के लिए खुदरा कंपनियों को 152 रुपए लीटर के हिसाब से आपूर्ति कर रहे हैं। खाद्य तेल के एक प्रमुख ब्रांड ने शनिवार को 152 रुपए लीटर के भाव बिक्री की है, लेकिन खुदरा कंपनियां यदि इस कीमत में इजाफा कर रही हैं तो सरकार को उस पर अंकुश लगाने के बारे में सोचना चाहिए। छापेमारी से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा इससे तेल कारोबार की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। सूत्रों ने कहा कि थोक बिक्री मूल्य के हिसाब से खुदरा में सरसों तेल अधिकतम 152-165 रुपए लीटर तक, सोयाबीन तेल अधिकतम 170-172 रुपए लीटर मिलना चाहिए। इस कीमत पर उपभोक्ताओं को खाद्य तेल आपूर्ति के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि जिस मात्रा में सरसों का रिफाइन बनाकर आयातित तेल की कमी को पूरा किया जा रहा है, उससे आगे जाकर सरसों की भारी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। कम से कम खुद का तेल मिल संचालन करने वाले सहकारी संस्था हाफेड को पर्याप्त मात्रा में सरसों का स्टॉक बनाने को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। हफ्ते भर के बाद सोयाबीन दाने में और सोयाबीन लूज के थोक भाव 225 रुपए की गिरावट के साथ 6,800, 6,900 रुपए और 6,500, 6,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुए। गिरावट के बीच सोयाबीन तेल कीमतें नुकसान के साथ बंद हुई। सोयाबीन दिल्ली का थोक भाव 250 रुपए की गिरावट के साथ 16,400 रुपए, सोयाबीन इंदौर 250 रुपए की गिरावट में 15,750 रुपए, सोयाबीन डिगम का भाव 450 रुपए की गिरावट के साथ 14,800 रुपए प्रति क्विंटल के पर बंद हुआ। मूंगफली दाने की बात करें तो यह अपने पूर्व स्तर पर बना रहा, जबकि मूंगफली तेल गुजरात 350 रुपए के सुधार 16,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। मूंगफली सॉल्वेट रिफाइन का भाव भी 45 रुपए सुधार कर 2,670-2,860 रुपए प्रति टन पर बंद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।